ये मौसम हो रहा है शानदार, जानदार, मस्त, बादल हो रहे हैं, तो हम नए दिन की शुरुआत करते हैं फिर से। तो नए दिन की नई गुड मॉर्निंग। तो हम पहुंच चुके हैं साइड पे, सुबह के 9 बजे हैं अभी। तो आज हमें काम करना है, तो थोड़ा सा बिजी दिन रहेगा, तो छोटा सा ब्लॉग डालेंगे, चलो साइड का डालते हैं, तो बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। तो ये हमने लगा दी JCB, पूरा पत्थर आ रहा है यार। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। गड्ढा कि नहीं ये नहीं पता अभी। ये गड्ढा होने से पता चल जाता है, और गड्ढा भी हाँ, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ। तो चलिए, मशीन आ गई है साइड पे, लगाते हैं शॉट के लिए, करते हैं तैयारी, देखते हैं अपोलो 800। तो अभी पहले पायलट में सेंसर लगाएंगे और उसके बाद में अंदर घुसाएंगे इसमें। ये सेंसर लगा रहे हैं, देखिए छोटा सेंसर होता है, प्लेट खोल के लगाते हैं इसमें, ये सेट करते हैं हिले ना इससे। तो करते हैं शुरू। ये पानी छोड़ता है मशीन पहले आगे से, और लोकेटर साहब डिश टैंक लेके तैयार हो गए। चलिए करते हैं शुरू। हमारी ड्रिलिंग हो गई है, शुरू हो गई है, और पीछे उसमें बेंटोनाइट मिला रहे हैं, बाद में उसमें पंप से मिलाएंगे, पहले ऐसे लकड़ी से मिलाएंगे पंप से। चलिए देखते हैं, होपफुली हो जाए। पत्थर तो है, पूरा चट्टान ही है, देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे तब जाएगा, जैसे जाएगा तब जैसे। तो ये देखिए, ये जो पंप है, ये पंप से मतलब मिक्स हो रहा है वहाँ पर, उससे पानी आ रहा है, वापस उसमें जा रहा है, बस इस टाइप से ये बेंटोनाइट मिक्स कर रहा है इसमें। तो हम बैठ गए बस में, वापस जा रहे हैं, शॉट तो हुआ नहीं। चलो देखते हैं कैसे क्या यार, गाने बहुत चलाते हैं बस में यार, तेज तेज गाने चलाते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से नए दिन में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह आ गए हम 9 बजे साइड पे, अभी कोई आया नहीं। तो कल क्या हुआ, कल पूरे दिन काम किया, पूरे दिन मशीन चला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, पूरा मतलब शॉट फेल हो गया ऑलमोस्ट। तो देखते हैं आज क्या हुआ, रोड और फंस गया मशीन का, अब रोड भी नहीं निकल रहा, देखेंगे यहाँ कैसे क्या निकालेंगे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, पंगा ही हो गया। तो भाई ठंड लग रही है यार, आज मौसम हो रहा है ठंडा, ऐसे मन कर रहा है जैकेट पहन ले, जैकेट लेके नहीं आए, खैर पहनेंगे कहाँ से। तो चलो देखते हैं आज क्या होता है, कल तो पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आ गए हम भी, अभी कोई आया ही नहीं यार, क्या करेंगे, आके बैठ जाते। तो चलो थोड़ा सा मूंगफली खा ली जाए सुबह सुबह आके साइड पे, और हम थोड़े मूँगफली के दाने चबा रहे हैं, अच्छे अच्छे हमें की टाइप है, छोटा छोटा मूँगफली है और अच्छा लगता है। चलो देखते हैं बैठे बैठे दिया कब तक आते हैं लोग। अच्छा हवा चल रहा है यार, मस्त मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है, वैसे गर्मी इतनी नहीं पड़ती इधर, अच्छा मौसम रहता है। तो ये देखिए, ये ट्रैक पार करने वाले हैं हम, अब ये ट्रैक यार ऐसा आसान नहीं है, चलो देखते हैं क्या होगा। ये ट्रैक और ये हाईवे एक साथ पार करना है यार। ये मशीन लगा हुआ है, वहाँ से उसने डाल दिया नीचे 10 मीटर, अब 10 मीटर नीचे जाएगा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा यार। चलो देखेंगे यहाँ कैसे क्या होगा, आज का दिन फिर से ट्राई करते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों में है? दोस्त में वो उत्तप्पा, 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 उत्तप्पम। तो भाई साहब डेली ऐसे बिना खाए चले जाते हैं यार, आज खा के जाएंगे तब क्या पता काम हो जाए, देखते हैं। तो ये आ गया हमारा उत्तप्पम, तो खाते हैं इसको उत्तप्पम। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर से आज है 15 अगस्त, तो सभी को एक बार हैप्पी रिपब्लिक डे।
तो आज है 15 अगस्त 2021। तो भाई साहब 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, तो आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पर हम तो क्या मनाएंगे, हम तो आ गए साइड पे। तो पिछले 3 दिन से परेशान हो रहे हैं जी, एक ही साइड पे, एक ही जगह पे हैं। अब क्या बताएं आप, रोड फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा। तो यहाँ पे मारना पड़ेगा हमें गड्ढा। अब इतना बड़ा गड्ढा, मतलब हमारा डेप्थ है 5 मीटर, 5 मीटर पे गड्ढा मारना मतलब बहुत ही समस्या होगी यार, बहुत बड़ी समस्या होगी। पर क्या करें, करना पड़ेगा, नहीं तो अपना पूरा मटेरियल अंदर है, वो निकालना पड़ेगा। तो ये है जी, मशीन वालों की समस्याएं ऐसी होती हैं, जब फंसता है ना मशीन वाला तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। उसको पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, बहुत लोगों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके उसको गड्ढे की परमिशन मिलती है, भाई यहाँ पे गड्ढा मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसमें गड्ढा मारना पड़ेगा 5 मीटर। अब बोल तो दिया उसको, प्रॉपर्टी वाले को तो बोला है उसने, लगा लीजिए, देखते हैं अभी लगाएंगे तब पता चलेगा उसको भी कि कितना बड़ा गड्ढा मारेंगे, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं, क्योंकि 5 मीटर गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा मारना पड़ेगा, तब जाके रोड निकलेगी वो। तो बहुत समस्या होती है जब साइड पे कभी कभी होती है तब। इसमें पता है क्या होता है, एचडी वालों की ये भी एक समस्या है यार, कभी कभी ऐसा फंसता है कि आएगा जो ही मंत्री बन जाएगा कि अरे क्या कर रहे हो, गड्ढा मार रहे हो। पर उनको क्या पता यार, हर आदमी का एक काम होता है, इनका गड्ढा मारने का काम है तो गड्ढा मारेगा, इसके पीछे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है ये कोई नहीं देखता। पर चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है आज फिर से। भाई साहब वही सेम स्टोरी, सेम डे की, आज हो गया 4th दिन, अभी तक हमारी रोड नहीं निकली, फंसे हुए हैं। बहुत दिमाग ख़राब हो गया यार, पूरा मतलब 5 रोड फंसा हुआ है, सेंसर वगैरह पूरा फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा। अब 5 मिनट डेप्थ गड्ढा मारना मुश्किल है। कल देसी वगैरह लगाया पर अभी तक तो सक्सेस नहीं है, अब देखते हैं क्या करें। जय कैमर लग रहा है, खोद पाता है कि नहीं वो देखेंगे। पर आज हमें निकालना है क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए यार, निकालना ही पड़ेगा, क्या करेंगे देखते हैं आज। होपफुली कोशिश करेंगे आज निकल जाए, देखते हैं क्या होता है। तो आखिरकार हमें दिख गया हमारा पायलट 5 मीटर नीचे, अब तो निकाल ही लेंगे, दिख गया तो। ये देखिए पायलट का पीछे से टूट गया यार हिस्सा, ये चूड़ी वाला हिस्सा टूट गया। साउंड है तो साउंड भी ऐसे जल गया पीछे से, देखते हैं कैसा क्या है साउंड की कंडीशन। तो भाई साहब आज हो गया डे 5, सेम साइड सेम वर्क। तो कल हमने शाम को लगभग निकाल लिया अपना रोड वगैरह, रात को निकला 8 बजे से। तो पायलट थोड़ा पीछे से क्रैक हो गया और साउंड भी थोड़ा सा, वो देखते हैं अभी सिग्नल नहीं आ रहा, चेक करेंगे उसके बाद में बताते हैं साउंड का क्या कंडीशन है। और रोड निकाल ली बस ये है कम से कम। अब देखेंगे दिया शॉर्ट के लिए क्या प्लान करेंगे, शॉर्ट तो हम करना है एक्चुअली। यहाँ पे क्या है, थोड़ा लेटराइट पत्थर है, वो जो टूटता है चूना, मतलब ब्लैक हो जाता है, तो मुश्किल है शॉर्ट तो थोड़ा। पर देखेंगे, शॉर्ट तो करेंगे, क्रॉस तो करना ही है। तो क्या प्लान होता है बने रहिएगा। और इस वीडियो करते हम यहीं पर समाप्त। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने HDD बंधुओं से, दिखाएंगे मशीन पर क्या क्या हो रहा है अपने। और चलिए बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार।
ये देखिए भाई साहब, 5 मीटर गड्ढा खोद के और फिर निकाला है। बहुत मुश्किल होता है यार, पूरा पत्थर है। जैक हैमर से काटा उसको नीचे से, ऊपर 3 मीटर तक जैसे भी गया, फिर 2 मीटर जैक हैमर से कटिंग किया। तो ये पत्थर है पूरा नीचे। तो ये हमारा रोड निकल गया है अभी, तो चलो देखते हैं क्या प्लान होता है। ये है देखिए, पूरा इस टाइप का है, मतलब बुरादा हो जाता है पत्थर कट कट के, और ये बुरादा हो जाता है, इसलिए रोड फंसता है इसमें। चलो देखते हैं आगे क्या करते हैं।